ना मैं कह रही हूँ, ये ना मेरे उस आशिक का ही काम है जो आपकी लाश पे ना मेरे साथ अपने प्यार का मेल खड़ा करना चाहता है। हाँ चाची, इस उम्र में यो सब गुल खिला रही हो? अरे क्या बोल रही है, ना छल्ली तो ना हो गई तू? नहीं तो कहाँ रह गया? एकदम तैयार खड़ा है, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारेगा अपना मिट्टी का सिर। अब आपको क्या बताऊं भाई साहब, कि आपकी इस छोटी सी बहन पे क्या विपदा आन पड़ी है। तो भाई साहब हुआ यूं कि फोन बंद है, मैसेज भी नहीं जा रहा है, कौन है गधे का बच्चा? पता करो पापा, गधा या गधे का बच्चा? हाँ, और अगर हाथ लग जाए ना तो हड्डी मसली एक कर देगी उसकी। हाँ, यो बिल्कुल बढ़िया रहेगा सुशीला, है ना? हाँ, बस यही करो तुम दोनों छोरियां, हैं? इतने कांड, खबरदार घर के बाहर कदम धरने की सोची भी तो, घर के मर्द है सब देखने के लिए। अब शिशु, तुम पुत्तू से क्यों ना पूछ लेते? उसे तो फोन उनके बारे में सब कुछ पता है, हो सकता है वो ही कुछ बता दे। चल चल चल, बंद कर, बाल फैला दे जैसे आंधी आई हो, फेस पे गिरा। अरे थोड़े खींच के खड़े कर लेना। ओके, बाल आर नॉट स्टैंडिंग दीदी। अरे थूक लगा है? हाँ, जेल जब काम नहीं करता ना, थूक से काम चलाना पड़ता है। यार सी सब आप भी है ना, ताऊजी की तरह एक्टिंग करन लाग रहे हो, बेफालतू का ज्ञान पे ले जा रहे हो। थूक लगाऊं? लगाता हूँ। लग रहे हो ना आंधी आ गई। हाँ अब सुन, आगे से शर्ट बाहर निकाल दे और जेब खींच के फाड़ दे। हाँ, हे भजन गोली बोलो राम से आती जाए। बैक का स्ट्रैप भी तोड़ दियो। स्ट्रैप क्यों? अरे बॉक्सर है तेरे ताऊजी, अपने टाइम पे ना बहुत लड़ बजाए होंगे उन्होंने। तुमको पता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो उसमें ना जेब तो फटती फटती है और बैक का स्ट्रैप तो टूटता ही टूटता है। अरे इसके बगैर लड़ाई भी कोई लड़ाई होगी? एग्जैक्टली। ठीक है, अपने बॉस का बदला लेने आई हो या फिर हाथी बाजार वालों ने? छोरिया इतने चौड़े में ऐलान करके आती की नई दुकान खोल लेंगे, हो सकता है कुछ सरपिरा सबक सिखाने आ गया हमारी फैमिली को। मुझे तो सब तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आ रहे हैं भाई। नहीं नहीं, छोरियों का कैंची उस तरह भाई साहब के पास है, सबको पता है, कोई दुकान ना खुल रही, कोई बदला ना ले रहा। तू चुप करके बैठ और ये सोच के पुत्तू कहाँ होगा अभी। ए ना, ये भी तो हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। अरे आ जाएगा वो, तू चिंता मत कर। कैसे चलाओगे काटेलाल जब घर में ही ना पहुंचेगा तुम्हारा लाल? ना कौन कर रहा है ये सब, और वो भी इतना चुपके। हे माता रानी, हमारे पुत्तू को सही सलामत घर भेज देना। मुझे मेरा पुत्तू सही सलामत घर चाहिए, बिल्कुल सही सलामत। चिसु, अग्नि को फोन कर, मैं आती बाजार जा रहा हूं।
कुछ पता चला तो फोन करिए। जी भाई साहब। भाई साहब मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तुझे भी तो धमकी आई है, एक काम करती हूँ मैं चलती हूँ आपके साथ। ना पापा जी हम देखते हैं ना। कोई कहीं ना जाएगा, सिसोर में देख रहे हैं ना, तुम लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। क्या हो गया तुझे? ये कपड़े कैसे फटे? आप लोग पहले अंदर चलो, बाहर बहुत खतरा है ना। अरे आ गया था उत्तो। उत्तो बेटा तो ठीक है ना? हाँ कुछ हुआ तो नहीं? चोट? तेरी ये हालत कैसे हो गई? बोल ना बेटा। हाँ बोल बोल मुत्तू। भाई साहब ये तो सदमे में, बोल ना बेटा। हाँ ये हुआ भाई, बोल। आती वो चार से आ रहा था जी, टू बोच कम ऑन टू बाई साइकिल, फिर मेरे साथ पंगा लेने लाग रहे थे। मेरे साथ लेते तो फिर भी ठीक था, वन साइड बुरा बुरा बाउट काटे लाल और ताऊ जी आई गुस्सा और मैंने सारे दर्दी सारे के कंटाप पे। हाँ 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 ताऊ जी दूसरा वो जो 6 फीट ऊंचा तो मेरा पंच ना पहुंच रहा था उसके थोबड़े तक, तो तुम मैंने ना वो धक्का हाँ हाँ धक्का मार दिया उसकी साइकिल को और उधर जाके गिर गया ताऊ जी। हैं धन ताऊ जी मेरे ऊपर ऐसे कूद गए। मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से, अपने पापा का बेटा हूँ, हाँ मतलब मम्मी का भी हुई तो बताऊ ताऊ जी मैंने क्या किया, मैंने अपना बैग लिया यूं घुमा के फेंक दिया ताऊ जी। हैं और वो जो गोल चौराहे पे जो वो बेल पापड़ी की दुकान है ना उधर जाके गिर गया, फुल फेस दही से वाइट। लेकिन वो थे कौन और क्या कह रहे थे? मैं तूने शक्ल ना देखी उनकी? ना पापा जी मतलब सब कुछ इतनी अड़बड़ाहट में हो रहा था और ऊपर से उन्होंने हुडी भी तो पहन रखी थी ना। के? हुडी? ये हुडी, यस ताऊ जी हुडी पहन रखी थी। हाँ हाँ तो जैसे ही मैं दूसरे वाले की तरफ मुड़ा वो तो मेरे डर के मारे निकल लिया वहां से, वो पहले वाले की तरफ मुड़ा तो भी पीठ दिखा के भाग रहा था, तो नो फेस आई सी। अरे सब के सब बेचारे मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए। अरे चिल मम्मी, गॉड पुत्तू की मम्मी हो आप, किड्स ऑलवेज फाइट लाइक दिस, नो बिग डील, व्हाई यू वरी। कितना भोला है मेरा बच्चा। भाई साहब ये सब इन दोनों छोरियों के कारनामों की वजह से हो रहा है, पता नहीं कौन सा दुश्मन कब कहां बदला लेने की फिराक में बैठा है, कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब आपको, अब तो कुछ करो। अरे नो नो मम्मी नो नो, अब वो ही साइड ताऊ जी की दुकान ही है, वो एक्स्ट्रा 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 दीदी के बारे में कुछ ना बोला। सुशीला मैं क्या कह रही थी, पुलिस को खबर करनी चाहिए। अरे नहीं यार अग्नि से बेटर तो हम ही हैंडल कर लेते ना उस कबूतर को, बहुत पर निकल रहे ना उसके, वो जगत को कैसे हैंडल किया था हमने, बस इसका भी पता लगा के ऐसी सुताई कर देते इसकी, सारी तड़ी निकल जाएगी। ये कह रही है तू, अगर अग्नि को बोला वो तो फिर से शुरू हो जाएगा, कमरा दे दो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, उसे कहने का कोई फायदा ना है। गरीमा सेस ताऊ जी वॉकिंग इन रूम फास्ट फास्ट, मेरे पापा को अर्जेंट बात करने बुलाया भाई गोल। फैंटास्टिक, मतलब पापा का फोन अग्नि को गया ही गया। जब तक हो ना तब तक खुशियां मत मना बहन, यू नो योर फादर। हाँ ठीक है वेट कर लेती हूँ ना, तू एक बात बता तू इस अग्नि को झेल पाएगी? मैं सीधे मुंह तो बात ना करती उससे और फिर ये 24 घंटे हमारे घर में रहने आएगा वो। इसके अलावा मुझे और कोई आइडिया नहीं आ रहा है, एक अगर दुकान खोलनी है ना तो अग्नि जो चाहता है वैसे उसे देना पड़ेगा। नासड़े पापा जी से तुझे ही मांग लिया तो बीट है वो, गधा नहीं है और मेरे साथ तो फालतू का मजाक मत किया कर, और अग्नि को हमारे घर में रखने के अलावा मुझे और कोई रास्ता ना सूझ रहा है। एंड डोंट वरी, एक बार बस दुकान खुल जाए
उसके बाद जैसे एंट्री दिलाई है ना वैसे एग्जिट भी दिला दूंगी। अरे आई डोंट लाइक अग्नि ब्रो, हिज पर्सनैलिटी सो गुड, रख लो ना प्लीज। इतनी आसानी से ना जाने वाला, वो तेरे से भी बड़ा जिद्दी है वो, एक बार जम गया ना फिर निकलेगा नहीं। तब की तब सोचेंगे यार, अभी अग्नि का हमारे घर में आना इम्पोर्टेंट है ताकि हम दुकान का सटर उठा सके। बट जीडी गुरु दक्षिणा, हाउ ओपन शॉप विदाउट इट? इसी बात पे अर्ज किया है, अग्नि आ जाए घर में फिर चौके छक्के लगाएंगे, खाट खड़ी होगी उन सबकी जो रास्ते में आएंगे। अरे कैची उस तरह गुरु दक्षिणा रोकना हमको पाएंगे, हाथी बाजार के बीचों बीच अपना सलून बढ़ाएंगे। वाह करीमा दीदी, व्हाई डूइंग टू मी यू टू, एक बार में बता क्यों ना देते सारा प्लान। प्लान जानना है? तू इधर आ, तुझे प्लान मैं बताती हूँ। इधर नहीं 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 इधर कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अपनी रिस्क है तो ये रिस्क भी सही। ना दिल तोड़ दिया आपने, इतनी देर लगा दी मेरे पास आने में। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि हमारा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है और आप इस जन्म में भी इतना टाइम बाद आए हो। इब से आपकी सारी टेंशन हो गई मेरी। इब उस स्टॉकर ने अपना फोन बंद कर रखे हो या ब्लॉक कर रखे हो, रोहतक पुलिस उसे गुफा से भी ढूंढ के बाहर निकाल लेगी। टोकस जा भाई, उस एरिया के सारे लफंडरों को पकड़ और लाइन में लगा दे जरा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई चुटकुला सुना रहे के? हंसी कैसे छूट रही है वल्दा साहब आपकी? अभी जाके सबको लाता हूं जनाब। अरे रुक जा रुक जा, ना पूरी बात तो सुन ले। एक तो धर्मपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना सीरियस मैटर चल रहा है, तुझे हंसी आ रही, हंसी कंट्रोल कर अपनी। और यो पकड़, जाते जाते हनुमान जी के मंदिर में 21 रुपए का बूंदी का प्रसाद चढ़ा दियो। ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है ना मैंने, तो हर मंगलवार हनुमान जी के यहाँ 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा देता हूँ। और आज आपके केस में बिजी रहूंगा तो मिल जाके टोकस चढ़ा देगा। जा भाई। जी इंस्पेक्टर साहब, आपने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों ले रखा है? वो नतने पे लेना है के? ये सब बातें तो इंस्पेक्टर साहब से फोन पे पूछ ले। इंस्पेक्टर साहब बात बड़ी संजीदा है, घर में दो जवान छोरियां है, कभी कोई ऊंच नीच हो गई तो ना गरिमा जी की तो दाद देनी पड़ेगी। धर्मपाल जी जैसे दुरेंद्र को इनसिक्योर सा कर दिया मैडम ने। नागनी संभल जा यार, कहीं अपनी दुकान खोलने वास्ते तुझे ना बेच खाए गरिमा जी। ना मैं बिकने को क्या, जान देने को तैयार हूं गरिमा जी के लिए। यू कैसी सी बातें कर रहा है अग्नि? ना पर पता तो कर ले बेटा, वो तेरे से करवाने क्या वाली है। ना आप निश्चित हो जाइए धर्मपाल जी, मैं अभी इलाके की सिक्योरिटी बढ़वा देता हूँ। अरे अग्नि ब्रो, उस दिन वो कोर्ट वाले दिन उन सिक्योरिटी के बाद में भी 6 गुंडोज ने डी बीच पर अटैक कर दिया तू नो, और इस बार तो उस स्टॉल्कर ने ना घर के अंदर घुस के फूड के अंदर पॉइजन डाल। नो ब्रो, आउटसाइड सिक्योरिटी इज नॉट गुड है। इंस्पेक्टर साहब बड़का तो ठीक रहा है, मैटर रिस्की तो हो रहा है थोड़ा ना। पर शिशुपाल जी, मैं सिक्योरिटी बढ़ाने के अलावा कर भी के सकता हूँ। योगिनी ब्रो, किराएदार बनने की बात क्यों ना कर रहे हैं, वाई नॉट? पर अगर मैं आपके घर का किराएदार होता तो बात अलग थी, मैं टेंशन ही नहीं होती, आप और आपका परिवार 24/7 मेरी निगरानी में रहता। पर अब तो अरे तो अग्नि ब्रो आ जाओ ना वैली पे, किसने मना किया? और यू लव द स्टोर रूम ना, यू सेड रख के बिना सर पर की बात कर रहा है तू। इंस्पेक्टर साहब स्टोर में रहेंगे क्या?
ये जी बालक है, इसकी बात का बुरा ना मानना इंस्पेक्टर साहब। धर्मपाल जी, मुझे तो स्टोर रूम में रहने में कोई प्रॉब्लम ही ना है। और शिशुपाल जी के हाथ के खाने के लिए धर्मपाल जी, मैं तो उल्टा लटक जाऊं चमगादड़ की तरह। पर थोड़ी ना देर हो गई, बात यो है कि दूसरी जगह मैंने कमरा सेट कर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे चुका हूं मैं। वाह अग्नि ब्रो, रिफ्यूजिंग दाव पर, वाय वाय वाय। तो सिक्योरिटी वापस ना ले सकते? की बात कर रहे हो तुम दोनों? अरे इंस्पेक्टर साहब जनता के सेवक है, अगर किसी ने कोई शिकायत कर दी तो क्या इंस्पेक्टर साहब उनके घर जाके रहने लगेंगे क्या? ना धर्मपाल जी, मेरे अंदर अगर अवतार लेने की सुपर पावर होती ना तो मैं तो सबके घर में सिक्योरिटी देता, 0% कर देता क्राइम रेट इस शहर का। पर वो तो हो ना सकता ना, आपके घर में तो मैं रह सकता हूँ। पर यो सोच के मैं चुप हो गया कि दो दो जवान छोरियों के बाप हो आप, और मेरे जैसा बंदा ना, इतना स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, मोस्ट एलिजिबल बैचलर अगर आपके घर पे आके रहेगा तो 100 उल्टे सीधे सवाल तो आएंगे ही आपके मन में। पर फिर बात यो भी तो है, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, छोरियों की तरफ नजर उठा के देखना तो दूर, किसी को डालने भी ना दूंगा। पर यो तो मेरी और आपकी बात है ना, यो समाज, मोहल्ला, जमाना, यो थोड़ी ना समझ पाएगा यो बातें। Why जगनी ब्रो saying उल्टी बात? My दीदी just don't tell me anything। ना प्लान चेंज हो गया है के? What is this putu bro? Sorry। अग्नि ब्रो wrong line, सही डायलॉग बोलो ना प्लीज। ब्रो समझाने में तो आप सब कुछ कर सकते हो। अरे समझाने में तो आपने वो मिनी आंटी जी को भी समझा दिया था। अरे आप तो किसी को भी समझा सकते हो। यस ना ना पुत्तु ब्रो, मैं तो ना बालक पॉइंट पर पॉइंट मार रहा आज ना। मैं ये कह रहा था जब जमाना, मोहल्ला, पूरी दुनिया, समाज हमारे खिलाफ है तो हम उनकी परवाह क्यों करें भाई साहब? ना बात तो एकदम सही है शिशुपाल जी, फैमिली की सिक्योरिटी होती है सबसे आगे। सही कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब। भाई साहब हमारे लिए हमारे परिवार की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो चले जाएंगे दुकान पे, पीछे से घर में अकेली रहेंगी चार फीमेल। इंस्पेक्टर साहब अगर घर में किराएदार होंगे तो गुंडे, मवाली, चोर चार कदम अपने आप ही दूर रहेंगे। लेकिन अब सिक्योरिटी डिपॉजिट दे चुका हूं ना दूसरी जगह, वापस ले लो। पर मेरी छोरियों ने पंगे बहुत ले रखे इंस्पेक्टर साहब। मैं इस तरह बात नहीं करना चाहता था, पर इन दोनों की बातें सुन के मने भी लग रहा है कि आपने जहां पर भी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है ना इंस्पेक्टर साहब, आप वहां पर बात कर सकते हैं। आपको अगर तकलीफ ना हो तो हमारे घर किराएदार बन के आ सकते हैं। सॉरी धर्मपाल जी, ये भी वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्या मुश्किल लग रहा है? हमने इतने मुश्किल से ये सिचुएशन खड़ी की है और उसने मना कर दिया। पर उसने मना क्यों कर दिया? आई डोंट नो ना ताई जी। तो अग्नि ना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो यो है कि अगर अल्फा ने काम करने से मना कर दिया तो हम बीटा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसका मतलब यो है कि अगर गामा को हमने हैंडल कर भी लिया तो भी कोई फायदा ना है। एक मिनट, मतलब अल्फा का तो मुझे पता है वो अग्नि ब्रो, बट हु इज दिस बेटा इन गामा ना? मतलब दीदी इतना घूम फिरा के प्लान बनाया ना आपने, गॉड पुत्तू बिकेम कंफ्यूज पुत्तू, डू यू नो? पुत्तू मेरा भाई, तू बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, तेरा भी टीम आएगा। तू बस इतना समझ ले कि अगर अल्फा को हम अपने घर में ना ला पाए तो उस पे एहसान जता के उसके तुम दुकान नहीं ले पाएंगे। ना मैं एक काम करती हूँ, उस अग्नि के बच्चे को ना घसीटते हुए घर ले आती हूँ। यार जी करीमा, तेरा एंगेजमेंट वाला प्लान तो फेल हो गया ना? कैची और उस तरह अभी भी पापा जी के पास ही है जो हमने गुरु दक्षिणा में दी थी, अब कैसे खोलेंगे दुकान? ना 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 ना, तुम दोनों ना बाहर जाने की तो सोचना ही मत, और एक कांड हो जाएगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा जी ने तुम्हारे ऊपर लॉकडाउन लगाया हुआ है, तुम्हारा घर से बाहर जाना वर्जित है।
यार, सबको डील देते रहते हो और अपनी ही डील पे रिवर्स गियर लगा दिया। ना विचार बदल गए थे तो बता देते ना। गरिमा जी, डील तो अभी भी ऑन है। एक हाथ ले, एक हाथ दे। पर रूम किराए पे लेने से पहले ना, मैं आपके प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.